देखिए दादी आ रही है, छोटा सा प्यार से मेरे गांव है। वो मेरी वो जो येलो येलो ली है ना टोकरी जैसा मोटरी, वो मेरी दादी है। वहाँ गाय बकरी सब चल रहे हैं, बहुत दूर दूर बहुत सारे बकरी सब चल रहे हैं, सब घास काट रही हैं। वहाँ पे सब अपने अपने गाय चला रहे हैं। वहाँ एक बाबा जी रहते हैं ना, वही अपना झोपड़ी बना के अपना खेत का रखवाली करते हैं। ये मेरा पूरा छत इतना छोटा ही है, छोट तो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा गांव है। और ये मेरी छोटी सी बहन है, ये मेरी चाचू की लड़की है, बड़ी वाली चाचू की लड़की है। और ये बस बदमाशी करते रहती है छोटी वाली मेरे चाचू की लड़की। और परिधि ये देखो, हाय बोलो, हाय हाय। हाँ कस के बोलो बनी, हाय नाच के दिखा दो, नाच कर शरारती है मेरी बड़ी वाली चाचू की बेटी। और ये मेरे पूरा गांव है, ये मैं ये गांव है, ये छोटा सा मेरे छत पे है। मैं अपने पूरा गांव को दिखा रही हूँ आपको मेरे छत पर से ही। ये मेरी आस पड़ोसन है, मेरे घर के बगल में ही रहती है, ये भी इनका भी पूरा घर है। ये मेरे ये भी मेरे घर पे, बच्चे बहुत चोरी हो रही हैं इसीलिए मेरी मम्मी कहीं मुझे जाने नहीं दे रही है, इसीलिए मैं घर पे बैठ के वीडियो बनाना शुरू की हूँ। और देखिए ये सब पूरा खेत है छोटा मोटा, ये सब ये मेरे गाय है सारी सी। शाम को 5 बजे इसका दूध निकलेगा। वो मेरे गाय का बच्चा है, रुके आपको दिखा रही हूँ। वो मेरी गाय का बच्चा है, उसे भी वो दादी जी वो नीचे बैठे हैं, मेरे दादाजी है तो क्या भाई भी दादाजी बैठे थे इस। और देखिए अब बहुत देर हो रही है, अब मुझे मेरी मम्मी फिर चिल्लाएगी सामने, निधि पढ़ो निधि पढ़ो निधि पढ़ो, इतना सारा होमवर्क रहता है सोजी दे देते हैं मुझे, फिर भी वीडियो भी बनाना रहता है मुझे, मैं क्या क्या करूँ बोलिए मैम, मुझे इतना सारा होमवर्क भी करना पड़ता है, फिर वीडियो भी बनाना रहता है, मैं क्या करूँगी। मैं तो पकड़ पकड़ तितली उड़ रही है, हाँ। बहुत वो मेरी घर के ही बगल में रहती है, बकर वो थोड़ा दूर में रहती है, वो भी मेरी दादी ही लगती है। वो देखो बहुत सारी मुर्गी रहती हैं, वहाँ भी रहती हैं बहुत सारी मुर्गी उधर में। और एक चीज़